नमस्कार। हम डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स बाय या सेल नहीं कर सकते। उसके लिए पहले आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना होगा और फिर ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो। आपको ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बदले में स्टॉक ब्रोकर आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं, जिसे ब्रोकरेज चार्ज कहते हैं। साथ ही उनके कुछ दूसरे चार्जेस भी होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए क्या करना होता है, तो आज हम स्टॉक ब्रोकर कैसे बनते हैं और उससे जुड़े कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए सबसे पहले आपको सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है। सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने पर सेबी सब कुछ चेक करती है, जैसे कि जिन्होंने स्टॉक ब्रोकर के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है उनके पास ऑफिस है या नहीं, और स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस चलाने के लिए उनके पास ज़रूरी इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज़ और मैन पावर है या नहीं। सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करने के बाद आपको सेबी की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है। फिर आपको स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि NSE और BSE पर मेंबरशिप लेनी होती है। स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप लेने के लिए आपको उनकी मेंबरशिप फीस पे करनी होती है और सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना होता है। स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, आपके पास किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ काम करने का कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही आपकी नेटवर्थ भी देखी जाती है। NSE पर मेंबर बनने की फीस और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। इनके अलावा आपको और भी रजिस्ट्रेशंस करने होते हैं, जैसे कि डिपॉजिटरी की मेंबरशिप लेना। हम जो शेयर्स डिलीवरी के लिए खरीदते हैं उन्हें डिपॉजिटरी अपने पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रखती है, तो स्टॉक ब्रोकर को डिपॉजिटरी की मेंबरशिप फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करके डिपॉजिटरी की भी मेंबरशिप लेनी होती है। तो स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए काफ़ी रजिस्ट्रेशंस, पेपर वर्क और पैसा लगता है। स्टॉक ब्रोकर को कस्टमर्स के डिटेल्स और लेजर मेंटेन करना होता है, साथ ही कई कंप्लायंसेस होते हैं। स्टॉक ब्रोकर को एक कंप्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना होता है, जो कंप्लायंसेस से जुड़ी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है। स्टॉक ब्रोकर को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप भी डेवलप करना होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। तो स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए आपके पास कम से कम 2-4 करोड़ रुपये होने चाहिए। अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है या आप इतना कैपिटल लगाना नहीं चाहते, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है और वो है किसी स्टॉक ब्रोकर का सब ब्रोकर बनना। सब ब्रोकर अपने स्टॉक ब्रोकर के बिहाफ पर काम करता है। सब ब्रोकर बनने के लिए पेपर वर्क कम लगता है और पैसे भी कम लगते हैं। 2009 में सेबी ने ऑथोराइज पर्सन, दैट इज AP का कॉन्सेप्ट लाया। किसी स्टॉक ब्रोकर का ऑथोराइज पर्सन बनने के लिए आपको सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपको सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑथोराइज पर्सन और सब ब्रोकर की फंक्शनिंग लगभग सेम ही होती है, बस ऑथोराइज पर्सन को सेबी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। ऑथोराइज पर्सन बनने के लिए आपको खुद को स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जिस स्टॉक ब्रोकर के AP बन रहे हो वही ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको करवा के देंगे। ऑथोराइज पर्सन बनने के लिए आपको HSC यानी 12th स्टैंडर्ड पास होना कंपलसरी है। किसी ब्रोकर का ऑथोराइज पर्सन बनने के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स, 12th की मार्कशीट और 2 से 3 हज़ार रुपये फीस लगती है। किसी स्टॉक ब्रोकर का ऑथोराइज पर्सन बनने पर आप जितने डीमैट अकाउंट्स उस स्टॉक ब्रोकर को खोलकर दोगे, उन सारे अकाउंट्स के लिए वो ब्रोकर आपके साथ कुछ ब्रोकरेज चार्ज शेयर करता है। अगर कोई स्टॉक ब्रोकर ऑथोराइज पर्सन के जरिए किसी ने डीमैट अकाउंट खोलने पर उसको 20% ब्रोकरेज दे रहा है, तो उस ऑथोराइज पर्सन के जरिए जितने डीमैट अकाउंट्स खोले जाएंगे उन्होंने जनरेट किए हुए ब्रोकरेज का 20% हिस्सा उस ऑथोराइज पर्सन को मिलेगा। अगर आपके जहन में स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर या ऑथोराइज पर्सन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हो। अगर आप finnovations.com पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारे डेली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।